गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट 15 वीडियो चैप्टर का पार्ट 15 वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 8 पे है। कह रहा है 0 से 2 पे यानी कि 0 से 360 के बीच वाई बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का आलेख खींचे। तो यहाँ देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स खींचना है अलग। तो पहले आप कॉस एक्स और साइन एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, सब वैल्यू इनके बीच के जितने भी वैल्यूज है उन सब पे। तो हम लोग इसमें 30-30 लेके चलेंगे, यानी कि सबसे पहले शुरू करेंगे एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है। एक बार कॉस का निकाल लेंगे, एक बार साइन का निकाल लेंगे। तो पहले से हम लोग निकाल चुके हैं ना, 180 तक तो पहले निकाल ही चुके हैं, तो डायरेक्ट हम वो लिख देते हैं, है ना। आप निकालिएगा लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए हम इसका चार्ट ले लिए डायरेक्ट। हम लोग क्या किए हैं कि कॉस में भी एक बार 180 तक जीरो से और साइन में भी जीरो से 180 तक लिख दिए। ये तो आपको पहले भी निकाल के दिखाया जा चुका है, तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसके बाद वाले को निकालते हैं और फिर एक दूसरे में से घटा देंगे। कॉस में से साइन घटाना है ना, तो घटा घटा के यहाँ वैल्यूज आ जाएंगे, तो लिख दिया जाएगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं कॉस 210 पहले। तो कॉस 210 निकालेगा तो यहाँ पर लिखना होगा कॉस कितना ले लिया जाए। तो इसको एक काम करिए, 180 और प्लस 30 लेंगे तो काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। चलिए तो 180 ये रहा, नो चेंज, कॉस का कॉस ही होगा। अब प्लस थीटा मतलब ये चला गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तो माइनस का होगा ना। तो कॉस 30 का जो वैल्यू होगा यानी कि 0.87, तो माइनस का आ जाएगा ना, माइनस का 0.87। अब चलिए कॉस 240 पर, तो इसको कर दीजिए कॉस 180 और प्लस 60, इसका ये माइनस कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना है आपका 0.5 ना, तो माइनस का 0.5 आ जाएगा, माइनस का 0.5। अच्छा, कॉस 270 का तो वैल्यू होता ही है, आपको पता है क्या होता है, जैसे 270 है यानी वाई एक्स पे ना, तो यहाँ पे याद है क्या होता है, 0, -1 यानी कि 0 होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए कॉस 300 डिग्री पर, तो इसको करिए कॉस 270 और प्लस में 30, कर सकते हैं कि नहीं, यानी ये हो जाएगा कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा ना, वाई एक्सिस पे चला गया, तो साइन 30 प्लस का कि माइनस का, तो 270 प्लस 30 का मतलब ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस का होता है ना कॉस, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू है 0.5, है ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.5। चलिए अगला देखते हैं कॉस 330, तो 330 का निकालना है, तो कॉस 270 और प्लस 60 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू जो होता है वही इसका आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू देखिए कहाँ, ये रहा 0.87, और 360 की वैल्यू की बात करें तो पूरा यहाँ से घूम जाना है, यानी यहाँ पे, तो कॉस में 360 की बात करें तो यहाँ होता है 1 और 0, कॉस 360 कितना होता है 1 होगा ना, चलिए तो ये 1 हो जाएगा, समझ गया। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक। अब इसके बाद हम लोग साइन वाला निकाल लेते हैं बचा हुआ जो है, उसके बाद घटा घटा के लिख देंगे। तो साइन में लिखते हैं, साइन में लेते हैं हम लोग 210 ना, पहले 210 लीजिए, साइन 210, तो इसको लिखिएगा साइन 180 और प्लस में 30, है ना। तो साइन 180 यानी कि इसी पे, नो चेंज, साइन है तो साइन ही रहेगा, और ये चल जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, 30 जुड़ने तो ही थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस का हो जाएगा ना, तो साइन 30 का वैल्यू जो है वही होगा बस माइनस का, यानी कि माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। अब चलिए साइन, उसके बाद क्या है 240 का करना है, तो अब देखिए साइन 180 या प्लस 60, तो इसका भी वही हो जाना है माइनस साइन 60, तो साइन 60 का कितना है आपका 0.87 ना, चलिए तो इसका हो जाएगा माइनस का 0.87, माइनस का 0.87, समझ गया। चलिए उसके बाद है साइन 270, तो 270 के चले जाइएगा, तो 270 यहाँ आ जाइएगा, तो यहाँ 0, -1 होता है ना, तो ये दूसरा वाला तो साइन ही होता है ना, तो -1। चलिए उसके बाद साइन 300 का, 300 पर जाइएगा तो इसको लिखिएगा साइन 270 प्लस 30, 270 पे जाते हैं चेंज हो जाएगा कॉस में,
और प्लस 30 का मतलब ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन है ना, ये यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से देखना है, साइन तो माइनस में होता है। चलिए तो कॉस 30 का वैल्यू देखिए, तो कॉस 30 का 0.87, तो इसका आ जाएगा माइनस का 0.87, माइनस का कितना का निकाले हम लोग, 270 का भी नहीं ना लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं 270 का माइनस 1 और 300 का आ गया 0.87 माइनस का, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन 300 पे ना, चलिए साइन 300 के बाद 330, यानी कि साइन इसको लिख सकते हैं 270 और प्लस 60, तो इसका भी आ जाएगा माइनस कॉस 60, तो कॉस 60 का कितना हो जाना है देखिए, तो कॉस 60 का 0.5, यानी कि इसका आ जाएगा माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। अब साइन 360 चलना है ना, तो 360 का मतलब तो यहाँ हो गया, चलिए यहाँ पे होता है 1,0, यानी कि ये होगा, ये साइन का हो जाएगा यहाँ साइन 360 का 0, तो सबका वैल्यू आ गया। अब यहाँ क्या करना है, घटा घटा के लिखना है, तो 1 में से 0 गया 1, इसमें से इसको घटेगा तो 0.37, चलिए इसमें से इसको घटेगा तो माइनस का 0.37, ठीक है, इसमें से घटेगा तो माइनस का 1, इसमें इसको घटेगा तो दोनों माइनस का जुड़ जाना है ना, तो माइनस का आ जाएगा 1.37 आ जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ भी वही होगा, 7 आएगा यहाँ 8, 5, 3, 1 माइनस का 1.37, चलिए माइनस का 1, यहाँ इसमें से इसको घटेगा तो माइनस माइनस प्लस में ना हो जाएगा, यहाँ इसमें से आ जाएगा माइनस का 0.37, फिर इसमें से इसको घटाना तो ये प्लस का आएगा ना 0.37, ठीक है 0.37 हो जाएगा, चलिए इसमें से घटाना तो प्लस का 1, इसमें से इसको घटाना है तो ये प्लस का आ जाएगा 1.37, ठीक है। अच्छा इसमें से इसको घटाना तो ये भी प्लस में आएगा 1.37, घटाने पे आएगा यही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, चलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 1। अब चलिए इसका आलेख खींचते हैं, चलिए तो यहाँ हम लोग ग्राफ देखते हैं, तो इस पे हम लोग एक्स अक्ष ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स अक्ष ले लेते हैं, ठीक है, और एक इसके ऊपर लंबवत जो लाएंगे ऊर्ध्वाधर जो लाएंगे वाई एक्स ले लेंगे, तो यहीं पे ले लेते हैं क्योंकि हमें माइनस में तो जाना है नहीं, प्लस से ही काम चल जाना है, इसलिए हम लोग माइनस वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए माइनस वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हो गया। चलिए अब इस पे दिखा देते हैं ये कि ये आपका एक्स है और इधर आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका वाई है और नीचे वाई डैश, तो वाई एक्स पे प्लस माइनस दोनों से मतलब है, देख रहे हैं ना, मान जो है प्लस माइनस दोनों में है, लेकिन एक्स का मान जो है यानी कि कोण जो है पॉजिटिव ही ना लेके चले हैं, ठीक रहेगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि एक्स अक्ष पर एक घर बराबर 9 डिग्री, एक घर को 9 डिग्री मानते हैं, और वाई अक्ष पर एक घर बराबर 0.1। तो देखिए ये 10 घर जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3π/2 है ना, और फिर यहाँ पे 2π यानी कि 360, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे चलिए, यहाँ हो जाएगा 1, 10 घर बनेंगे तो, और यहाँ हो जाना है 2, उधर भी यहाँ भी माइनस 1 और यहाँ माइनस 2, कोण का तो माइनस से कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखिए x बराबर 0 पर इसको ना आपको दिखाना है cos x - sin x, तो इन दोनों को भूल जाना है आपको, इस मान से खाली मतलब है, x बराबर 0 पर y का 1, x बराबर 0 पर y का 1, तो y का 1 ये रहा। चलिए x बराबर 30 पर y का 0.37, x बराबर 30 कहाँ होगा, तो देखिए इसके बीच में दो आएंगे, एक तो आएगा यहाँ पे 30, फिर आएगा 60 और तब आएगा 90, तीन भाग में करेंगे ना, तीन बराबर भागों में, तो यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, फिर ये 90 है, तो 30 पर कितना है तो 0.37, तो 0.5 तो ये रहा, इससे थोड़ा सा नीचे, समझ रहे ना बात को। चलिए उसके बाद है 60 पर माइनस का 0.37, 60 पर ये 60 रहा ना, 60 पर माइनस का 0.37 यानी कि यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। अच्छा 60 के बाद क्या है आपका,
60 के बाद है 90, 90 पे माइनस 1, 90 पे माइनस 1, ये रहा ना माइनस 1। चलिए अच्छा, 90 के बाद भी तीन बराबर भाग करना होगा ना। चलिए यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, हो गया। तो 90 के बाद हो गया 120 है ना, 150 और फिर 180 है ना। तो 120 पर कितना है माइनस का, 120 पे कितना है आपका, 120 पे है माइनस का 1.37, 120 है और माइनस का 1.37, तो 1.37 यहाँ पे होगा माइनस का, ठीक है यहाँ पे होगा। चलिए उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आपका है 150, 150 पे कितना है, तो 150 पे है, 150 पे आपका आ जाएगा माइनस का 1.37, इसका भी वही है ना, एक बार मिला लें क्या, हाँ वही आएगा, चलिए यही पे आएगा ठीक। उसके बाद क्या है, 180 पर माइनस का 1, 180 पर माइनस का 1, 180 पर माइनस का 1 हो जाना है, तो कहाँ आ गया ये ना। चलिए इसके बाद क्या है, यह 180 के बाद है आपका 210, 210 पे माइनस का 0.37, 210 पे माइनस का 0.37 यानी कि यहाँ पे होगा। चलिए फिर उसके बाद 210 के बाद 240 पर प्लस का 0.37 यानी कि यहाँ पे होगा। चलिए फिर आपका है 3π/2 यानी 270 पर 1, 270 पर 1 ठीक है, 270 पर 1 यहाँ होगा ना। चलिए समझ रहे ना, सॉरी इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, हमने ध्यान से गलती कर दिया, 180 पे माइनस 1 है ना, तो यहाँ हम लोग लिख दिए थे ठीक है, हम लोग को यहाँ देना है ना 1, देखिए यहाँ पे है इसके सामने ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 270 पे 1 हो गया, आगे चलिए 270 के बाद है 300 पे, 300 पे है 1.37, तो 1 ये रहा और उसमें 0.37 जब बढ़िएगा यानी कि थोड़ा सा और ऊपर चली गई यहाँ पे आएगा लगभग है ना। अच्छा उसके बाद आपका 330 पर भी वही है ठीक, उसके बाद 2π, 2π पे कितना है यानी कि 360 पे कितना है 1, 360 पे है आपका 1 समझ गए, तो इसको मिलाना होगा, तो इसको मिला दीजिए थोड़ा, तो ये हम लोग इस तरह से इसको मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ कैसे मिला रहे हम लोग ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये थोड़ा ऐसे जाएगा है ना, सॉरी यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप सीधा कर लीजिएगा, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ जा रहा है, तो ये इसका ग्राफ हो गया, क्लियर हो गया यहाँ से। तो इसी तरह से आपको इसमें आलेख बनाना, जो कहेगा ना उसको आप ग्राफ खींच लीजिए, आपको तो बहुत अच्छा से क्लियर हो गया ग्राफ, आपको कोई अब दिक्कत भी नहीं होगा समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, हम लोग डायरेक्ट चार्ट ले लिए हैं, आपको बता चुके हैं 0 से 90 कैसे निकलता है और ग्राफ इसका देखते हैं सीधे ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ x बराबर tan x दिया है, आप यहाँ y बराबर tan x ले रहे हैं, तो देखिए ग्राफ पहले यहाँ बना रहे हैं और आपको ये बताना ना कि लेखा चित्र से देखिए ये बताना है कि x के किस मान पे x जो होगा tan x के बराबर हो जाएगा, ये बताना है ठीक है। तो ऐसे तो यहीं से दिख रहा है कि 0 रखने पे 0 आ रहा है, बाकी और किसी मान पे नहीं आ रहा है, देख रहा है ना, तो x बराबर 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 पर होगा ठीक है, ऐसे आंसर तो इसका 0 होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ग्राफ से यहाँ से कैसे बनाएंगे हम लोग ठीक है, ग्राफ बना के इसको समझते हैं। तो यहाँ पे ये x अक्ष ले लेते हैं ठीक है, x अक्ष ले लेते हैं। अच्छा आपको तो ऊपर पॉजिटिव से ही मतलब है, निगेटिव से तो कोई मतलब नहीं है, निगेटिव में तो कोई वैल्यू आ नहीं रहा है, तो चलिए नीचे ही थोड़ा खसका दिए इसको, इसको ऐसे ले लेते हैं समझ गया ना इस बात को, तो निगेटिव से नीचे भी कोई मतलब नहीं है, वाई एक्स पे भी कोई मतलब नहीं, आपको पॉजिटिव ही वैल्यू चाहिए, या आपको 0 से 90 ही बस चेक करना है। चलिए ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, एक्स और एक्स डैश इधर लिखेंगे, यहाँ वाई और नीचे वाई डैश समझ गए। अब देखिए यहाँ से आपको 0 से 90 लेना है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, स्केल आप अपना बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वही लेके चलते हैं कि x अक्ष पर दो छोटा घर बराबर 9 डिग्री ठीक है, और y अक्ष पर दो छोटा घर, अच्छा इस पे तो 4 तक ना वैल्यू लेना है, हम लोग एक छोटा घर
बराबर 0.1, ठीक है। चलिए तो इस पे दो छोटा घर जो है 9 डिग्री है, यानी कि 20 को घर बढ़िएगा ना, 10 20, यहाँ ना 5 10 15 20 20 घर बढ़िएगा तब ये 90 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 45 होगा, तो है ना पाई बाई 4 होगा, यानी 45 डिग्री होगा। चलिए अब वाई एक्स पे क्या है, एक छोटा घर बराबर 0.1, तो एक छोटा घर 0.1 तो ये हो जाएगा 1, देख रहा है ना, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा, ये ना होगा 0.1 हो रहा है एक छोटा घर, तो 10 को घर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 हो गया। चलिए अब इसका ग्राफ देखिए, 0 पे 0, चलिए उसके बाद 15 डिग्री पे 0.27, तो 15 डिग्री कहाँ होगा, तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 30 होगा, फिर 45, फिर यहाँ पे 60, फिर 75, फिर 90 हो गया। तो 15 डिग्री पे है 0.27 यही तो होगा ना, चलिए 0.25 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही ना। चलिए अच्छा इसके बाद क्या है आपका, 30 डिग्री पे है 0.58, यानी थोड़ा सा इससे ऊपर है ना, यहाँ तो 0.5 होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर। चलिए उसके बाद यहाँ पे पाई बाई 4, यानी कि 45 पर है 1। अच्छा 45 के बाद कितना है, 60 है, 60 पे 1.73, तो 60 ये रहा, 1.73 इधर होगा। चलिए उसके बाद है 60 के बाद है 75 पे है 3.73 यहाँ पे होगा, चलिए यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका अगर मिलाना चाहे तो इसी तरह से ना मिलेगा, चलिए यहाँ पे आइएगा, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ाइएगा ना, ये पाई बाई 2 को कभी टच नहीं करेगा। तो वही पूछ रहा है कि x बराबर 10 x कब होगा, तो 0 पर, देख रहा है ना, क्योंकि 0 डिग्री पे ही 0 वैल्यू आ रहा है, ग्राफ से भी पता चल रहा है और यहाँ से चार्ट से भी पता चल रहा है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखेंगे, एक ही ग्राफ पेपर में, यहाँ हम ग्राफ पेपर ले लिए हैं, 0 और पाई बाई 2 के बीच साइन एक्स और कॉस एक्स के लेखा चित्र खींचे, यानी कि 90 से तक खींचना है, 0 से 90 तक खींचना है और बताना है कि एक्स के किस मान के लिए साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होगा। तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स देख लीजिए 45 पर होगा, देख लीजिए 0.71 है ना दोनों पे, तो वो तो हो जाएगा, लेकिन हमें ग्राफ से बताना है। तो हम लोग डायरेक्ट चार्ट लिख दिए क्योंकि आपको बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए 0 से 90 साइन में ले लिए और कॉस में भी ले लिए और इसका ग्राफ देखा जा रहा है सीधे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको क्योंकि हम लोग ग्राफ सीधे देख सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत बार इसको निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ठीक, और इस पर हम लोग वाई एक्स लेते हैं, निगेटिव से तो कोई मतलब है नहीं, पॉजिटिव ही वैल्यूज है सारी, तो आप ग्राफ जरूरी नहीं है कि निगेटिव की तरफ दर्शाएं। एक्स यहाँ हो गया एक्स डैश, यहाँ होगा वाई और यहाँ होगा वाई डैश, यहाँ लिख देंगे कॉर्नर पे कि एक्स अक्ष पर दो छोटा घर बराबर 9 डिग्री, वाई अक्ष पर दो छोटा घर बराबर 0.1। तो एक्स अक्ष पे दो छोटा घर 9 डिग्री, तो ये 5 10 15 20 घर बढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा ना, समझ रहे ना, 20 घर बढ़ने पे 90 होगा क्योंकि दो छोटा घर 9 डिग्री, तो आपको पता ही है 20 बढ़ेंगे। अच्छा दो छोटा घर वाई एक्स पे 0.1, तो यहाँ 20 बढ़ेंगे तब 1 होगा, चलिए 5 10 15 20 यानी कि यहाँ पे 1 होगा, ठीक, यानी कि यहाँ पे 0.5 होगा। चलिए आपको कितने भाग इसमें दिखाने हैं, तो 0 है तो 15 30 45 60 75 फिर 90, यानी कि यहाँ पे आपका 45 हो जाएगा बीचों बीच। अच्छा इसमें 3 भाग लेने होंगे और 3 भाग इधर लेने होंगे तभी ना सभी आएंगे। चलिए तो देख लीजिए 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, फिर 60 हो गया, 75 हो गया और 90 हो गया, दोनों के लिए हो गया। अब चलिए हम एक बार साइन एक्स कर लेते हैं फिर कॉस एक्स कर लेते हैं। तो साइन 0 का 0 पे 0, ठीक है, 15 पे 0.26, तो 0.25 यहाँ होगा, तो थोड़ा सा ऊपर ना इससे रेखा से, थोड़ा सा ऊपर एकदम, ठीक। उसके बाद है 30 पर 0.5, उसके बाद क्या है 45 पे 0.71, थोड़ा सा नीचे इससे होगा। चलिए उसके बाद क्या है 45 के बाद है आपका 60 पे 0.87,
यानी कि कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद है 60 के बाद क्या है आपका, 60 के बाद है आपका 75 पे 0.97 यानी कि यहाँ पे एकदम 1 से थोड़ा सा नीचे। अच्छा पाई बाई 2 90 पे है 1, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको पहले मिला सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको मिला दीजिए, हो गया। तो ये किसका हुआ, साइन एक्स का लिए हैं हम लोग, ये किसका ग्राफ लिए हैं, साइन एक्स के, कहां से कहां तक, तो 0 से 90 तक। उसी तरह कॉस एक्स का देखते हैं, 0 पे 1, ठीक है, 0 पे 1 हो गया, 15 पे 0.97 यानी कि यहाँ पे, चलिए ठीक है। उसके बाद है 15 के बाद है 30 पर है 0.87, चलिए। उसके बाद है 45 पर है 0.71 यानी यहीं पे, और उसके बाद 45 के बाद है 60 पे 0.5, फिर उसके बाद है 75 पे 0.26 इस रेखा के थोड़ा सा ऊपर, चलिए। इसके बाद 90 पे है 0, यानी इसको मिलाइएगा तो कुछ इस तरह से मिलाइएगा, तो यह ग्राफ किसका हो गया, तो ये हम लोग खींच दिए कॉस एक्स का। तो वही पूछ रहा है कि साइन एक्स कॉस एक्स से बराबर कहाँ है, यही पे ना है, तो ये कितना डिग्री पे हो रहा है, 45 पे ना। तो यहां लिख सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कब, जब एक्स बराबर है 45 यानी कि पाई बाई 4, क्लियर हो गया। चलिए तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, या किसी अदर तरह के हेल्प की जरूरत हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।